हेलो गाइस, वेलकम टू रियल कैफेक्स। एंड कैसे आप सब लोग? तो गाइस, आज हम बात कर रहे हैं टाटा पंच की। एंड जब भी टाटा पंच की बात आती है तो लोग दो सेक्शन में डिवाइड हो जाते हैं। एक वो सेक्शन जिसको ये कार बहुत अच्छी लगती है और एक वो सेक्शन जिसको इस कार में बहुत सारी कमियां नजर आती हैं। तो हम दोनों सेक्शन के लोगों से आज बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं उन लोगों से जिन लोगों को इस कार में, पर्टिकुलर टाटा पंच में, काफी सारी कमियां नजर आती है। तो मेरा उन लोगों से कुछ क्वेश्चंस है, आई होप वो लोग इसका जवाब दे पाए ताकि हम सब लोगों को पता चल सके कि सच में इस कार में कोई प्रॉब्लम है या नहीं। तो गाइस, जिन लोगों को ये कार पसंद नहीं है, मैं उनसे कुछ सिंपल से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। तो गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा उन लोगों से यही है कि अगर वो कार कम्युनिटी को फॉलो करते हैं और वो ये देखते हैं कि कौन सी कार कैसा परफॉर्म कर रही है मार्केट में, तो मैं उनसे एक ही चीज पूछना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने टाटा पंच की परफॉर्मेंस को देखा होगा इन टर्म्स ऑफ सेल्स, तो ये कार जब से लॉन्च हुई है, इस कार ने बहुत ही कंसिस्टेंट परफॉर्म किया है इन टर्म्स ऑफ सेल्स। काफी कंसिस्टेंटली ये 10,000 यूनिट हर मंथ सेल करती आ रही है। तो अगर इस कार में इतनी प्रॉब्लम्स हैं तो इसकी सेल्स इफेक्ट क्यों नहीं होती? सो पहला क्वेश्चन मेरा आपसे यही है कि अगर इस कार में इतनी प्रॉब्लम्स हैं तो हर महीने ये इतना कंसिस्टेंटली सेल क्यों कर पा रही है? आप अपने आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, ये कार आपको जो सबको पता होगा, ये कार जो स्टार्टिंग रेंज है 6 लाख से कार स्टार्ट होती है और टॉप मॉडल 9-10 लाख तक जाता है। तो 6 लाख के बजट में अगर कोई कार ढूंढ रहा है तो इसके कंपैरिजन में वो किस कार पे जा सकता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। जो इसके कॉम्पिटिशन कार आ रही है, चाहे बात करी से ट्रॉन की बात कर लें, चाहे टाइगर की बात कर लें, चाहे आप निसान पे चले जाएं, तो मैग्नाइट की बात कर लें, तो आपको क्या लगता है कि इस जो रेंज में इस कार का कंपटीशन किस कार से है और कौन सी कार इससे बेटर है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए प्लीज। मैं भी ये इस बात को जानना चाहूंगा। सो मेरा थर्ड क्वेश्चन आपसे ये है, अगर आप देखोगे 6 लाख के बजट से कार स्टार्ट होती है और कार का अगर मैं आपको इंटीरियर भी दिखाऊं, बात छोटी छोटी चीजों की बात करूं, सो आई नो बहुत सारे लोग कई सारे इसमें कॉस्मेटिक फॉल्ट की बात करेंगे कि कुछ कॉस्मेटिक इसमें फॉल्ट्स हैं, पैनल गैप्स आपको कई जगह ज्यादा दिख रहे हैं। मैं एग्री करता हूं उस बात पे, मना नहीं करूंगा मैं आपसे, बट मुझे बताइए इसका आप इंटीरियर देखिए 6 लाख के बजट में जो कार ये इंटीरियर आपको प्रोवाइड कर रही है। मैं ये नहीं बोलूंगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटीरियर है कार का, बट बहुत ही सिंपल डिसेंट सा, बहुत अच्छा लगता है इसका इंटीरियर, आप किसी भी सेंस में आप देखेंगे ना। तो अगर मैं कंपेयर करूं और कार से तो डिसेंट सा इंटीरियर है, बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो आपको ऐसा और इंटीरियर इस बजट में और कौन सी कार ऑफर कर रही है? बात की जाए इस कार में जो 90 डिग्री डोर ओपन्स का फीचर आपको मिलता है, आपके घर में कोई बुजुर्ग है, कोई बड़ा है तो इजीली कार में एंटर कर सकता है, कंफर्ट है जो ये कार ऑफर करती है इस रेंज में, और कौन सी कार आपको ऑफर कर रही है? प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में इन सारे क्वेश्चंस का आंसर दीजिए यार, मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों के आंसर्स का, ताकि पता चल सके हम लोगों को कि हाँ यार ये कार से बेटर इस रेंज में और भी कार्स हैं। मेरा ओपिनियन मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि क्या है, बट मैं पहले ही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप मुझे प्लीज इसका आंसर दीजिए कि आपको क्या लगता है कि और कौन सी कार है जो आप पंच के बदले चूज कर सकते हो। और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन उन लोगों से ये भी है, जो सेफ्टी तो ऑब्वियसली मुझे नहीं लगता है इस कार बारे में बात करने की जरूरत है, वी ऑल नो कि क्या सेफ्टी प्रोवाइड करती है पंच। तो इस रेंज में और कौन सी कार ऐसी सेफ्टी के साथ आती है? राइड क्वालिटी कार की बहुत बढ़िया है, अगर इसको आप हाईवे पे लेके जाते हो वो स्टेबिलिटी, वो कंट्रोल आपको देती है ये कार, जो आपको बाकी कार्स नहीं देती। तो ये चीज है जो आप अगर मुझे बताइए, अगर प्लीज आपको किसी और कार में ऐसा फील होता है तो मुझे जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको और कार्स में भी ऐसी चीजें मिल रही हैं। तो मैं बात कर रहा था जैसे कि हाईवे पे आपकी स्टेबिलिटी की, तो बहुत अच्छी स्टेबिलिटी है इस कार की हाईवे पे, एंड आपको फील नहीं होगा कभी भी आप हाईवे पे ड्राइव कर रहे हो कि आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कार से, बहुत ही स्टेबल होके चलती है। वेट कार का ज्यादा है, वो कहीं ना कहीं इसके लिए डिसएडवांटेज भी है, प्लस कहीं ना कहीं ये एक एडवांटेज का भी काम करती है इस कार के लिए, बिकॉज वो स्टेबिलिटी इस कार को मिल जाती है हाईवे पे, कहीं ना कहीं इसके वेट में भी उसमें काफी ज्यादा हेल्प है। तो ये सब पॉइंट्स हैं यार जो मैं जानना चाहूंगा, अगर आप सही में टाटा पंच को, आपको लगता है कि टाटा पंच में इश्यूज है तो प्लीज मुझे बताइए, जिन लोगों को लगता है तो मुझे प्लीज बताइए इन सब क्वेश्चंस के बारे में आपके क्या आंसर्स हैं। अब बात करते हैं जो टाटा फैंस हैं जिनको टाटा पंच बहुत अच्छी लगती है। देखो यार बिल्कुल ऑफेंड मत होना कोई भी, या कोई पर्सनल मत लेना जिनको ये कार बहुत अच्छी लगती है, मैं भी इस कार को यूज कर रहा हूँ, 1 साल हो चुका है, काफी जगह ले जा चुका हूँ इस कार को, काफी टेरेन पे मैंने इसको चलाया है, तो
मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बता रहा हूँ आपको, प्लीज कोई पर्सनल मत लो, बिकॉज जो है वो है यार, जो चीज कमी है वो है कार का इंजन। मैंने कई लोगों को बोलते हैं यार कि यार भाई जितनी पावर चाहिए उतनी है, भाई आप मानो ना मानो कार थोड़ी सी अंडर पावर आपको फील होगी, स्पेशली जब आप हाईवेज पे चलाओगे स्टेबिलिटी आपको मिलती है, बट जब आपको वो सडन पिकअप की जरूरत होती है ना, तब वो आपको वो सडन पिकअप इस पे लैक करता है, वो आप मानो। इनिशियल गियर्स पे कार दबती है, ये बात सच है, चाहे आप कितने बड़े टाटा फैन हो, मैं भी खुद टाटा की गाड़ी पसंद करता हूँ, बट ये बात जो है वो फैक्ट है, कार दबती है इनिशियल गियर्स पे, कार में थोड़ा सा आपको लैक फील होगा, इनिशियल पिकअप आपको नहीं मिलेगा। ये एक पॉइंट है जिसपे टाटा काम कर सकती है, या इस कार में एक बड़ा इंजन या एक टर्बो इंजन का ऑप्शन आपको दे सकती है। तो ये चीज फैक्ट है जिसपे हमें मानना पड़ेगा, एग्री करना पड़ेगा, अगर कोई हमें बोल रहा है ये चीज तो उसको माननी पड़ेगी, सच बात यही है। बात करें जैसे कि मैंने आपको बताया इंजन से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया, दूसरा पॉइंट रहता है कई बार माइलेज का। माइलेज देखो मैं पर्सनली बताऊं, मैंने अभी तक ऐसा माइलेज इशू इसमें फील नहीं किया है, मेरे को सिटी पे भी मैंने कई बार वीडियोस में बताया है 10 to 12 to 15 के बीच में सिटी में माइलेज, एंड हाईवे में इसकी माइलेज तो आपको बहुत अच्छी मिलने वाली है। मैंने कई बार इसको हाईवे पे टेस्ट कर लिया है, हाईवे बहुत माइलेज बहुत अच्छी है कार की, तो हाईवे में आपको बिल्कुल भी इशू नहीं होगा। बट हाँ, कई लोगों को कुछ माइलेज इश्यूज आते हैं, ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो लोग रेस करते हैं हमेशा कि यार माइलेज का इशू आ रहा है हमें, तो ये एक पॉइंट है। मैंने पर्सनली फील नहीं किया, अब मुझे नहीं पता कि आपकी ड्राइविंग हैबिट कैसे और आप किस तरह से कार को ड्राइव कर रहे हो, बट मैंने पर्सनली फील नहीं किया। बट हाँ, जो मैंने इसकी बात आपको लास्ट वीडियो में बताया है कि थर्ड सर्विस हुई है, थर्ड सर्विस के बाद मुझे कुछ इसमें माइलेज ड्रॉप देखने को मिल रहा है, बट उसको मैं टेस्ट करूंगा और मैं आपको बताऊंगा आने वाली वीडियोज में कि ये जो ड्रॉप मेरे को दिख रहा है एमआईडी में वो कितना हद तक जेन्युइन है। तो बात करूं, एक इशू है इंजन परफॉर्मेंस, जो इंजन थोड़ा सा अंडर पावर है, थोड़ा माइलेज इश्यूज हैं कार के, पैनल गैप्स हैं कार पे, कॉस्मेटिक चेंज ये है, ये इश्यूज ये सही हो सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कार में सच में नेगेटिव हैं, एंड हमें मानना पड़ेगा चाहे हम कितने भी बड़े टाटा फैन क्यों ना हो, जो चीज़ है वो है। कई लोग कहते थे कि टाटा में वाइब्रेशन, थ्री सिलेंडर है, वाइब्रेशन है, ज़्यादा नॉइज़ है। देखो सच बताऊँ, कैबिन अंदर काफ़ी हद तक साइलेंट है, बट बाहर आपको यस थोड़ी सी नॉइज आपको फील होती है थ्री सिलेंडर की, वो रहती है, बट जो इसका BS6 फेज 2 कंप्लायंट आया है उसमें ये नॉइज काफी हद तक कम हो चुकी है, इसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ, चैनल पे आप देख सकते हैं। तो ये इशू कार में अब इतना नेगेटिव नहीं रहा। बाकी जो मेजर इशू थे कार के, जो मैंने आपको बताए दिए थे पहले कि इंजन थोड़ा सा अंडर पावर है एंड थोड़ा सा माइलेज को लेके एक कंसर्न रहता है लोगों के बीच में, तो ये दो इशूज हैं इस कार के साथ जो कि है, जिसमें हम लोग कोई भी डिनाई नहीं कर सकता इस बात से, तो वो इश्यूज हैं इस कार में, एंड उसी के बेसिस पे अगर कोई हमें बोलता है तो हमें उस बात पे एग्री करना पड़ेगा। बट हाँ, अगर जो पॉइंट्स मैंने पहले रखे थे जिन लोगों को टाटा की कार्स में और ज़्यादा इश्यूज लगते हैं, उनसे मेरे कुछ क्वेश्चंस थे, अगर वो मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक टू दिस वीडियो, अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल, बिकॉज यार यहाँ पे हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, मेरे कुछ एक्सपीरियंस जो मैंने इतने साल में गेन किए हैं मैं आपसे शेयर करता हूँ, एंड अगर आप भी अपने एक्सपीरियंस हमसे शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे नीचे दी हुई आईडी पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो गाइस, ये छोटी सी वीडियो थी, इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।